बात है और ये मेरे लिए भी बात है, हम सभी के लिए ये बात है कि देखिए जितने भी इंसान में जो एक मानव प्राणी है, आप हो, मैं हूँ, हमारे और कोई हैं, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना इस बात को कि हर एक के जीवन में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ी, जिसको ना तो मैं जानता हूँ और जो जिसके अंदर है वो वही जानता है। लेकिन लेकिन होता क्या है कि हम अपने कैसा थॉट थोप करके, जैसे आपने मुझे बोला कि सर मैं टीचिंग में अच्छा हूँ, मैं गा सकता हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ। आम इन घरों में आपने ये चीज़ देखी होगी, सुनी होगी, या आपको देखने को सुनने को या एक्चुअल में मिली होगी, लाइव आपके सामने बात हुई हो कि किसी ने कहा तो मैं तो ये बनना चाहता हूँ और उस दूसरे ने ये कहा कि यार ले मजाक कर रहे, पागल हो गए, अब वो बनेगा, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ से क्या होता है, उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसके अंदर का जो इंटरनल जो ज्ञान है, जो उसकी नॉलेज है, जो कुछ दुनिया में नया होने वाला है, ठीक है, वो दब जाता है, दब जाता है, क्योंकि उसके पास इतना मन जो है, इतने विचार जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होते कि वो अपनी उसको उस विचार से बच पाए। मैं आज बच सकता हूँ, मेरे माइंड का लेवल ऐसा है कि कोई मुझे कहेगा कि यार तू पागल है बैठ जा, तो मैं उस विचार से बच सकता हूँ, लेकिन सारे दिलबाग नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा पाप है, उस पाप से बचना है कि वो पाप ना हो जाए। हमें, आप जब भी टीचर बने तो इस बात को आज अपनी पल्लू से, अपने रुमाल से, अपने पॉकेट में डाल लेना और घर में जाके लगा देना कि आप किसी की जो संभावना है ना उसको ख़त्म मत कर देना, उसके जीवन की संभावनाओं को कभी ठेस नहीं मत पहुंचाना। अगर क्लास में कोई भी बच्चा कुछ और करना चाहता है तो उसको आओ वेलकम करिए आप, हो सकता है कि वो उसकी यूनिकनेस, जो अनोखापन है, उसको कहाँ से कहाँ ले जाए। अगर आप में से, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप मैरिड हैं या आप में से भी कुछ मैरिड लोग होंगे, तो जब आपके बच्चे हैं तो उनकी संभावनाओं को देखो कि वो क्या कर सकते हैं। आप अपनी संभावनाओं को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो संभावनाओं को कभी दबने मत दो, उसको एक्सप्लोर करो, और वो क्या रूप ले लेंगी हमें नहीं पता। क्योंकि जितने भी इस दुनिया में कोई महान काम हुए हैं या महान साइंटिस्ट बने हैं, वैज्ञानिक बने हैं, कुछ नई खोजें हुई हैं, कुछ पृथ्वी में एक वानर से इंसान बन गया और उसको कपड़े पहनने की, खाना खाने की, कोई घर नहीं था उसके पास, उसने इतनी तरक्की कर ली, तो ऐसे तो नहीं करी ना, ऐसे तो नहीं हुई ना, ऐसा इतना पॉसिबल संभावना उसके साथ हुआ ना। जैसे जैसे विचार आते गए, जैसे जैसे नई नई बातें आती गई, नई नई खोजें होती गई, तो इंसान क्या प्रगति करता गया, होता गया ऐसा। लेकिन अगर उसको कोई वहाँ पर रोकने वाला होता कि नहीं पत्थर से आग नहीं जल सकती, तो क्या आज आग जला पाते, नहीं जला पाते। किसी ने अगर किसी को ये बोल दिया होता कि बल्ब नहीं जल सकता, लाइट नहीं बन सकती, तो क्या आज हमें रोशनी में बैठ पाते, नहीं बैठ पाते। तो वो है संभावनाएं। संगीत के बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो संगीत कहाँ से आता है, अंदर से, भावनाओं से। गीत कहाँ से आते हैं, भावनाओं से। शेर कहाँ से आते हैं, विचारों से, भावनाओं से, जो आपने इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड में देखा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके के, आप, मैंने बोला था कि इंसान को भगवान बनाता है, कि प्रेम इंसान को भगवान बनाता है, तो फिर हम उन लोगों को आज भगवान मानते हैं या नहीं मानते। साइंटिस्ट को भी भगवान मानते हैं कि उन्होंने यार दुनिया को कुछ दिया। तो आप इस तरीके के आप इंसान बनो, और भगवान हमारे अंदर ही है, कहीं मूर्ति पूजा मंदिर कुछ वो सब वेस्ट है, करते रहोगे, घंटियां बजाते रहो, जब तक मर्जी बजाते रहो, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जब तक हमने अपने अंदर एक प्रेम, एक इंसानियत नहीं जगाएंगे। मंदिर जा रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका है, उसका नहीं फ़ायदा। तो इसका अच्छा है कि अपने आप को हम ठीक कर लें, अपने रहने को, अपने बोलने को, किसी से बात करने को ठीक कर लें। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके के व्यक्तित्व के लोग बने, ये मेरा ड्रीम है और इसी लक्ष्य के साथ मैं चल रहा हूँ हर दिन। आज मैं सरदार शहर में हूँ और कल, आज रात को मैं निकलूँगा और सुबह मॉर्निंग में मैं हरिद्वार पहुँच जाऊँगा, ये मेरा विजिट है। तो आपको भी ज़िंदगी में इस एटीट्यूड के साथ काम करना है, और प्रॉमिस आप करिएगा कि आप ज़िंदगी में एक महान व्यक्तित्व के
जो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो आपकी जो यूनिकनेस है, जो बड़ा कुछ करने के, तो आप भी एक नया बदलाव लेके आएंगे। आप क्या कर दो मुझे क्या पता कि आप क्या कर दो, आप टीचिंग में कुछ नया कर दो, किसी को कुछ नहीं पता। तो वो संभावनाओं को कभी मरने मत देना, ना तो खुद की मरने देना और ना ही किसी की मारना। उसको पुशअप करो कि यस मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हेल्प ही तो कर रहा हूँ कि यस यार आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो काम जी, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा।